स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ सौरव एंड आप लोग देख रहे हो वेगस फैशन। सो बड़े दिनों बाद आज इतना मॉर्निंग में उठा हूँ एंड मन किया कि सुबह बाइक लेके निकलूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बिजी हूँ या बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत राइडिंग मूड में भी नहीं हूँ, बिकॉज वेदर एंड एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर फेवर राइट नाउ। तो इसलिए उतना मतलब सुबह को मूड नहीं करता कि बाइक लेके राइड पे जाऊँ। ज़रूर राइड करेंगे व्हेन इट विल बी विंटर एंड वेदर तब इतना अच्छा रहेगा कि राइड हो पाए। तो ये जगह काफ़ी नया है, एज इन नया इन द सेंस कि ये ब्रांड काफ़ी पुराना है, बिकॉज इट्स इन दिल्ली, इट्स इन मेनी अदर सिटीज़ इन इंडिया, लेकिन इन कोलकाता इट्स क्वाइट न्यू यू कैन से। और काफ़ी बाइकर्स का ये फेवरेट जगह है इसीलिए क्योंकि सिटी के एकदम बीचों बीच है। तो जो लोग थोड़े आउटसाइड से आते हैं, जैसे कि मेरा होम टाउन है हावड़ा, तो वहाँ से ये थोड़ा बहुत डिस्टेंस में है, तो वो राइड वाला थोड़ा सा फीलिंग भी आ जाता है। एंड इस साइड एयरपोर्ट है तो यहाँ का जो रोड है काफ़ी स्ट्रेच भी मिलता है, तो थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग रहता है बाइक चलाने का, एज यू कैन कनेक्ट। सो स्ट्रेच से समझ जाओ, तो इट्स ऑल फन टू कम हियर एंड द एम्बियंस इज फुल ऑन बाइकिंग थीम्ड। तो मैं आपको दूंगा एक वॉक अराउंड इस जगह का, इट्स वेरी मच ऑन द बाइकर्स एंथुसियास्ट साइड, तो इट्स गुड टू कम ओवर हियर। एंड हमारे साथ है, आज मैंने राइड किया है हमारे बड़े भाई अरिजीत दा के साथ। वी हैव अनदर ग्रुप सिटिंग ओवर हियर, दो जैसे कि अभी व्लॉग कर रहा हूँ तो आई एम नॉट दैट यूज टू विद दिस काइंड ऑफ सेटअप विद पीपल अराउंड मी, इट गेट्स मी कंटिन्यूसली इन कॉशियस माइंड कि कोई है एंड आई कांट स्पीक प्रॉपरली इन द कैमरा व्हेन पीपल आर अराउंड मी। लेकिन क्या करें, अभी जब कर रहे हैं तो फिर अच्छे से करेंगे एंड इट्स ऑल लाइक दैट, इट विल गो विद द फ्लो। सो आज है संडे, आशा करता हूँ कि जैसा मेरा आज संडे अच्छा जाने वाला है, आप लोग का भी संडे अच्छा ही जाएगा, अच्छा जाने वाला है। इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो पॉजिटिविटी लेके ही उठता हूँ एंड आई फील कि अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो फिर मेरा दिन अच्छा जाएगा। सो आई थिंक सेम विथ यू ऑल गाइज, सो एन्जॉय टुडेज व्लॉग एंड बड़े दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ, तो अच्छा हो खराब हो जैसा भी हो, आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो फिर ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, तो आई विल गेट मोटिवेटेड कि ऐसा व्लॉग्स और भी मैं ला सकूँ। सो एन्जॉय द व्लॉग, सी या। तो हम लोग अभी बाहर है कैफ़े के एंड एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। लास्ट टाइम आया था मैं, हम लोग का ट्रायम्फ का था जेंटलमैन्स राइड, DGR डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन्स राइड। तो तब के टाइम के थ्रॉटल में अभी के टाइम के थ्रॉटल में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अभी थ्रॉटल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये जो चीज़ था ये ऐसे ऊँचा हुआ करता था एंड पूरा ओपन था, तो अभी ये क्लोज़ करके इसमें AC डाल दिया गया है, तो दैट्स मच बेटर। यहाँ पे बहुत सारा शेल्टर वगैरह कर दिया गया है एंड एज यूजुअल यहाँ पे बाइक लटकी हुई है एंड हमारी सारी बाइक्स वहाँ खड़ी है। सो ये जो ब्रिज है इसके ऊपर से हम लोग बाइक चला के लेके आते हैं। फिलहाल आज नहीं लाया क्योंकि इसका हालत थोड़ा ख़राब है एंड इससे थोड़ा रिपेयरिंग चाहिए, मैं खुद ना धंस जाऊँ इसके अंदर, वही मुझे डर लग रहा है। So here are all the bikes. We have Ducatis, we have BMW, we have Triumph, we have Kawasaki. सभी कोई है यहाँ पे हमारे पास. So चलो दिखाता हूँ. The Ladakh return bike and the Peppy Monster. तो ये बाइक बेसिकली खारदुंगला लद्दाख सब कुछ करके आया है, ये भैया की बाइक है एंड काफ़ी अच्छा गया उनका एक्सपीरियंस एज दे टोल्ड मी। बस इनका ये गार्ड इन्होंने डलवाया है जो एक्चुअली डिफॉल्ट नहीं है, स्टॉक नहीं है, बाकी सब स्टॉक ही है। सो इट्स गॉर्जियस टू लुक एट ऑल ऑफ दिस ब्यूटीज। तो एक्चुअली दोस्तों ये व्लॉग्स क्यों मैं कर रहा हूँ एंड एक्चुअली इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और वो ये है कि ऐसे कंटेंट जब कोई बनाता है, जैसे कि मैं भी कंटेंट जिस टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ,
तो उसमें क्या होता है कि मैं सिर्फ आपको कंटेंट ही दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हम और आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आइदर यू आर एंजॉइंग माई कंटेंट और नॉट, आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप लोग का कैसा जा रहा है. तो इससे क्या होता है कि वन टू वन बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ एंड आप लोग का भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल राइट और नॉट. तो ऐसे व्लॉग्स करने चाहिए. यहाँ पर मैं बहुत सारे बातें भी कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, तो वहाँ पर एक्चुअली टाइम लिमिटेशन होता है नॉर्मल व्लॉग्स में, फैशन व्लॉग्स में, तो वहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर पाता. एंड अभी बस ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है. तो एक्चुअली बीच में इतना ज़्यादा मैं सोच रहा था चैनल को लेकर, सो आई वॉज थिंकिंग कि चैनल का नाम चेंज करूँ. हाँ, तो बीच में एक्चुअली मैं सोच रहा था कि चैनल का मैं नाम चेंज कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे चैनल का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते. एंड मोरओवर जो कि मेरा चैनल इंडियन है एंड हिंदी में ही कंटेंट बनाता हूँ, तो क्या होता है कि आई रियली वांट द इंडियन ऑडियंस टू सी माय चैनल एंड फाइंड माय चैनल, लेकिन बहुत कोई ढूंढ नहीं पाते हैं. एंड दैट्स द मेन रीज़न कि मेरे चैनल का नाम कुछ ऐसा है, वेगस फैशन, तो जिसके कारण से बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मतलब फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी टू माई कॉन्टेंट, तो वो लोग ना ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते. तो मुझे भी सुनकर वो अच्छा नहीं लगता कि मेरे चैनल का नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो बीच में ये सोच रहा था, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या मुझे नाम चेंज करना चाहिए अपने चैनल का या नहीं, एंड अगर चेंज करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि आई डोंट नो. ये नाम मैंने इसलिए डाला था क्योंकि बहुत यूनिक नेम था एंड वेगस का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, मीनिंग ये होता है कि जो अनसेटल्ड रहता है, मतलब जिसे किसी भी चीज़ से एकदम सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि बस मेरा तो बस अब सेटिस्फाइड है, मुझे ऐसा ही जीना है. जिनको लाइफ में चेंजेस चाहिए, जिनको लाइफ में कुछ नया चाहिए एवरी डे, उनको वेगस पीपल बोलते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैंने ये चैनल का नाम दिया था, लेकिन अभी बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे. तो आप लोग बोलो कि क्या मुझे नाम चेंज करना चाहिए, हाँ या ना. नाश्ता कर लिया है, अंदर वो लोग बैठे हैं एसी में, हम बाहर आपके साथ बात कर रहे हैं धूप में. तो चलिए अंदर देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग. यहाँ पर काफी सारी बाइक्स आपको देखने को मिल जाएगी एज ऑलवेज. फिलहाल तो कावासाकी वल्कन खड़ी हुई है. Ton of stickering. एंड ये भी पूरा एकदम कवर्ड है, एसी भी लग गया है, पहले नहीं था. रेड पोर्शे गाय, बीएमडब्ल्यू ओनर. फिलहाल ऑडी आर8 छोड़ के अभी ऑडी आर एस फाइव. सो हम लोग बहुत जल्द उनका कार देखेंगे एंड हम लोग मिलेंगे घर पहुंचने के बाद, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से निकलना है. सो सी या. दोस्तों बस घर लौटा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, लेकिन संडे है तो इस दिन को हम लोग फुलेस्ट एंजॉय करने की कोशिश करते हैं. तो एक्चुअली जब भी आप एक ऐसा बाइक जो बहुत ज़्यादा हाइपर राइडिंग स्पोर्ट डायनामिक्स से बना हुआ हो, या आप बोल सकते हो जिसका सिटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो एकदम ट्रैक बाइक की तरह, उसे अगर आप राइड पर लेके जाते हो तो वो आपको थकाएगा ही, ये एक नेचुरल सी चीज़ है. तो मेरे मुंह पर भी थकावट मतलब आप देख सकते हो एंड इट्स ऑल डल, माय फेस इज़ लुकिंग डल. सो इसे ठीक करना है तो हमारे पास हमारा हथियार है, ये चीज़ कमाल का फेस रिपेयरर है. तो जो भी है इसे यूज़ करके मिलते हैं. हार गया तो क्या मैं वो गेम खेलना बंद कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं. बहुत बार हार चुका हूँ, बहुत बार जीत चुका हूँ. तो लाइफ इज ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग माय फ्रेंड.
तो हम लोगों को कभी भी किसी चीज से टूटना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना है। यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अभी जो एक टाइम चल रहा है, हर किसी के लाइफ में शायद नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों के लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, तो ये जो स्ट्रगलिंग का जो पीरियड होता है बहुत टफ होता है, एंड ये आपका जो मेटल है उसे टेस्ट करता है। तो आपका मेटल कैसा बना है, आप कैसे बने हो, वो अच्छी तरीके से टेस्ट हो जाता है। जितना आप डटे रहोगे उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा आपके सक्सेस होने का। जस्ट लाइक दैट आई एम डूइंग दिस यूट्यूब फॉर 1 ईयर नाउ, एंड अभी भी मेरे 14,000 जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं, एंड आई एम ऑल हैप्पी विद दैट। बट मैं बहुत कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आई थिंक कि मैं उतना रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ जितना मुझे करना चाहिए था। अगर कर पाया होता तो फिर शायद अभी बात कुछ और होता। तो इट ऑल गोइंग लाइक दैट। तो अभी अगर मैं पुराने वीडियोज़ मेरे खुद के देखता हूँ तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े बेटर कॉन्टेंट दे पाऊँ, लेकिन देयर इज़ अ टन ऑफ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट्स। तो बस यही सोच के काम करते जाना है। एंड आप लोग मुझे ज़रा बताना कि आप लोगों को इस टाइप का जो वीडियो जो अभी आप देख रहे हो वो कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि कोई मेरे से कनेक्ट किया। तो अगर आपको और ज़्यादा कनेक्ट करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस कर सकते हो, बहुत लोगों का मैं रिप्लाई देता हूँ। कभी कभी रिप्लाई देने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि यूट्यूब को छोड़ के भी मेरा खुद का एक लाइफ है, तो उसमें कभी कभार प्रेशर आ जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी लेट रिप्लाई दे देता हूँ। लेकिन बुरा मत मानना गाइस, मैं ऑलवेज आप लोग का रिप्लाई दूंगा, ऑलवेज। सो यू कैन DM मी एनी टाइम, एंड मैं बहुत जल्द एक Q&A करने वाला हूँ, तो आप लोगों के जितने भी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स होने वाले हैं वो आप सब बेझिझक मुझे भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा वो सब के रिप्लाई देने का, एंड इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो, नीचे को कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस का। एंड इट्स ऑल डन फॉर टुडे। आई होप मैंने ये जो लास्ट पोर्शन का वीडियो था ये बहुत लेट कर दिया क्योंकि वो वापस आते ही थोड़ा बहुत काम में फंस गया था। एंड यू नो व्हाट, मेरा जो गैराज है, गैराज का एक नॉब या फिर एक नट खुल गया था, इसके कारण से वो लॉक हो गया था। सो आई कैन नॉट, आई कुडंट टेक आउट माय मिल्की, तो वो बहुत एक सीरियस कंडीशन था। तो उसके लिए अभी जो कि दुर्गा पूजा आने वाला है, तो मुझे मैकेनिक बोल रहा हूँ सॉरी, लेकिन कोई मतलब आदमी मिला नहीं जो मुझे ईजिली वो गैराज ठीक कर पाए। जस्ट रिसेंटली रिजॉल्व हुआ है प्रॉब्लम, पापा ने शायद मैनेज किया है क्योंकि मैं तो इतना ध्यान दे नहीं पाता हूँ घर के मामलों में, मेरा ऑफिस रहता है। सो गाइस जस्ट सपोर्ट मी, दैट्स ऑल आई वांट। एंड अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस और ज़्यादा फ्यूचर में देखने हैं तो फिर ज़रूर मुझे लिखिएगा, एंड आई विल बी गिविंग माई बेस्ट शॉट। लेकिन गाइस रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है कि फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा छा रहे हैं। तो प्लीज़ 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 जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो तो मेक श्योर कि आप एक ऑथराइज डीलर से ले रहे हो या फिर आपका प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन हो, क्योंकि दे आर ऑल द सेम, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। जस्ट आप अप्लाई करोगे आपको डैमेज करेगा। पहले क्या होता था कि शूज़ कपड़े ये सब फर्स्ट कॉपी थर्ड कॉपी ये सब पहन लेते थे जो कोई भी, लेकिन उससे क्या हमारे खुद को मतलब हमारे बॉडी को डैमेज नहीं होता था। लेकिन ये अगर फेक प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लोगे तो फिर आपको सीरियस डैमेज हो सकता है। तो गाइस बच के रहना, एंड हम लोग मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोशिश करूँगा इस टाइप का वीडियो और लाने की। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, एंड कीप इट क्लीन।